जय गुरु। आज का आलोचना का टॉपिक है ठाकुर जी के फैमिली के बारे में। पिता माता की इच्छा से 18 वर्ष की उम्र में बंगला 1313 साल यानी 1906 श्रावण 28 को पावना शहर निवासी गोपादह ग्राम के रामगोपाल भट्टाचार्य महाशय की ज्येष्ठा कन्या एकादश वर्षीया सोड़शी वाला देवी के साथ अनुकूल चंद्र का शुभ परिणय हुआ। सोड़शी वाला की स्वामी भक्ति और उसके साथ निष्ठा, सेवा, प्रेरणा, दया, दक्षिण्य आदि प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय है। कालक्रम में उनके गर्भ से प्रथम दो पुत्र यथाक्रम अमरेंद्रनाथ एवं विवेक रंजन तथा बाद में दो कन्या साधना देवी और सात्वना देवी ने जन्म किया। पीछे चलकर अनुकूल चंद्र के 50 वर्ष के अधिक उम्र में कुछ महिलाओं ने उन्हें पति के रूप में ग्रहण करने की कामना माता मनमोहन के निकट प्रकट की। माता मनमोहन ने उन्हें इसी संकल्प से निवृत्त करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उनके संकल्प की दृढ़ता देखकर अनुकूल चंद्र को उन्हें ग्रहण करने का आदेश दिया। मातृभक्त अनुकूल चंद्र ने माता की आज्ञा से उन्हें ग्रहण किया। ऐसे ही महिलाओं में उनकी सहधर्मिणी सोड़शी वाला की कनिष्ठा बहन सर्वमंगला भी है। सर्वमंगला देवी के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें ज्येष्ठ तो प्रसूति गृह में स्वर्ग सिगार गए, कनिष्ठ प्रचेता रंजन थे। श्री श्री ठाकुर के असवर्णा स्त्री पारुलवाला देवी के गर्भ से अनुका देवी का जन्म हुआ है।